और अफाफुल अंसारी। बिहार झारखंड ओके सो खुशबू गुजरात की, बालाजी क्लब राजकोट ने ये टॉस जीत चुका है। कम बॉक्स में जुड़ेंगे सुमंतु बनर्जी, वेलकम सुमंतु दा। पहली बॉल उठा के खेला, इस बार आते ही डगआउट से सेट थे कैप्टन अनुभव सिंह फर्स्ट। झारखंड पीवीआर की टीम का ये देखिए, लेंथ बॉल थी, रडर में थी, फिर से एक बार फील्डर अंदर खड़े, जानते हैं कमाल का शॉट अनुभव, एक और। जितना बड़ा है रन भी उतना ही बढ़ रहा है, जैसे रात के साथ पल्ला देके रन बढ़ रहा है। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार गैप क्या ढूंढ लेंगे जिया, एक और शानदार शॉट अनुभव सिंह, दो बाउंड देखना पड़ेगा। फिलहाल तीन गेंद जहां पे एक छक्का दो चौका है, 14 रन तीन गेंदों से। यहां देखिए अपील हुई, यहां पे काफी तेज अपील अंपायर कर, ओ यूटी और ये देखिए कितना बढ़िया निर्णय, कितना अच्छा निर्णय वहां पे ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने के, रन जाके पहुंचा 14 रन एक। फुल टॉस बॉल, ये तोहफा दे रहे आप इनको, ये छोड़ेंगे नहीं, ये सेट है। पिछले मैच में भी कुछ ऐसे मैच पे लग रहा है कि जहां पे खत्म किए थे वहीं से शुरू कर दिए हैं। पहले गेंद में भी बल्ला उनका चला था, हालांकि कनेक्शन हुआ नहीं था। रूम बना के इस बार गैप अच्छा ढूंढते, मानो किसी लेदर बॉल खेल रहे हो ये, एक और बिल्कुल मूव नहीं कर पाए, बॉल सीधा बुलेट के गति लेके निकल चुका दोनों फील्डर के बीच से और 4 रन मिले। ये लेंथ बेहतर अपील हुई काफी तेज और फील्डर भी खड़े तैयार थे। और ये देखिए बाहर वाली गेंद, पोजीशन पे आ नहीं पाए। इस बार सामने बॉल, दूरी क्या मिलेगी जिया, मिल गई दूरी, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ शॉट, सामने गेंद और जिस तरह से बैट के मुंह को खोले बिल्कुल बॉलर के। सरफराज फिर से एक बार बल्ला इनका बोला है, सरफराज चल रहा है बिहार झारखंड पीवीआर की टीम का, बहुत ही बेहतर रन। रूम बना के इस बार फिर से एक बार फ्लैट शॉट देके जाएंगे सरफराज के बल्ले से। जब आउट हुए थे गौरव राज तो ऐसा लग रहा था कि एक महंग के, एक तो सरफराज को कॉन्फिडेंस मिला और इस बार भी शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन सामने इस बार कौन थे, सरफराज थे, पहुंच जाएगा तो सरफराज धोखा देगा नहीं, यही कह रहा हूं इस वक्त टीम मैनेजमेंट, बहुत उम्मीद है इनसे टीम का। फिर से एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार बड़ी टाइमिंग, एमडी हब वो देखेंगे ये पारी को खोलकर टेंस के डॉट इन पे जाकर, लेकिन लाइव अगर आप देख रहे हैं तो एंजॉय कर रहे होंगे। एक और कड़क शॉट सरफराज खान, मैं खुद देख लूंगा। और काफी लोग देखिए जगे हुए इनके लिए जो लगातार कमेंट कर पा रहे हैं। और इस ओवर से कुल मिलाकर 20 रन, 20 फ्रॉम दिस ओवर, पहले ओवर से आए थे 14, दूसरे ओवर से 12, तीसरे ओवर से आए थे। सरफराज तैयार है सामने, इनको कैसे रोकेंगे आप, अंत के ओवरों में ये और भी खतरनाक। सरफराज ऑन फायर, ये मैच अकेली ही जैसे बैट को लेके टीम को आगे ले जाने की, और जिस तरह से बैटिंग किए हैं पूरा बिहार खुश, हर एक वो क्रिकेट लवर सभी खुश होंगे, इस तरह के बैटिंग देखना सभी पसंद करते हैं। सरफराज बड़े शॉट की तलाश में लगातार है, यहाँ पे दो की मांग क्या करेंगे, काफी तेज भागे पहला रन, और यहाँ पे अगर विकेट पे लगाते तो शायद। प्रेम सामने इस बार कवर के ऊपर से शॉट ऑफ द नाइट, लाजवाब सुमंतु दा, 3 ओवर याद होगा पूछ 46 था और अब 87 यानी 90 के आसपास देख रहे होंगे बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से बैटिंग हुआ है और प्रेम सिंह जिस तरह से प्रेम से ओवर बाउंड्री मारे हैं। एक और प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद है, क्या चांस मिलेगा, पीछे भागेंगे जरूर, दो की मांग कर रहे हैं, काफी तेज भागे तनवीर और प्रेम, लेकिन यहाँ पीछे रह गए प्रेम, बनाकर प्रेम डग आउट की राह पे, एक शानदार पारी, ये देखिए क्या घटा था, तालमेल में कमी, दूसरे के प्लान में विकेट गवा। शॉट ऑफ लेंथ प्रयास किया था, यहाँ पे आते रवि शर्मा सिंगल तो अवश्य पूरा करेंगे, दो के लिए जाएंगे क्या, जी नहीं कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे सिंगल के साथ ओवर हुआ श्रम कार्ड पहले पारी की, जो आप जिक्र कर रहे थे कमाल की बैटिंग रही जिसके बदौलत टीम का स्कोर 89/4 अप टू एंड। बेहतरीन टीम बालाजी क्लब राजकोट, बंद्रा सिंह
गोहिल टीम के ओनर रहे हैं। रात का समय है और इस मुकाबले में शानदार बल्ले सिंह। देखिए पहला गेंद और स्वैग से स्वागत, बेहतरीन बल्लेबाजी। और जानते हैं और देखिए यहाँ पर शायद क्या किनारा था, मांग है बाहरी किनारा या अंदरूनी किनारा। मेरे हिसाब से वो अंदरूनी किनारा होना चाहिए, बल्ले का अंदरूनी किनारा। और ये क्या आसान है, अच्छा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ मिड ऑफ के ऊपर। स्कोर अब आगे बढ़ते हुए 14। पहला आघात 6 पर और पहला विकेट जिमी दरबार। प्रदीप पाटिल 30 गेंदों में जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत है। अन्नू ऑफ टर्न के बाहर, हवा में गेंद, क्या ये कैच हो जाएगा, शानदार कैच, सेलिब्रेशन करने का मौका। ऑफ टर्न के बाहर गेंद थी, ऑन सर्व पर खेलना चाहते थे। प्रदीप थोड़ा निराश रहेंगे और ये खिलाड़ी देख, शॉट अच्छा है, गैप ढूंढा है, गेंद बॉन्ड इलन के बाहर जाएगी। फिर एक बार आपको बता दूं, जीत के लिए 6 ओवर से चाहिए 90 रन, यानी शुरुआती तौर पे अबाबे गेंद, ओहो हो हो, या करीबी मामला था, खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो में, यहां पर दबाव में बालाजी क्लब गुजरात। और क्या थ्रो था, जबरदस्त थ्रो, सबको मोहित करने वाले खिलाड़ी हैं मोहित। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अजहरुद्दीन को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से ये थ्रो किया गया था। एक अजहरुद्दीन, एक विकेट, ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल ट्रैवल हो जाएगी, हाथ में रन आउट। और ये स्ट्रोक देखिए, राकेश खेर पुल करते हुए ऑन साइड पर, दर्शनीय स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़ गया। और गेंद 24 और जीत के लिए आपको बनाना होगा 66 रन। ब्रॉन्सर पर खेल दिया, गैप में गेंद है, बाउंड्री के बाहर 4 रन। पिंती गेंद था, कोई रन नहीं। और रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से गैप का सही इस्तेमाल, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच। मिनट से इस मंच से आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल अब हमें उछाला, मिस टाइम स्ट्रोक है, मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच, रन लेना ना चाह रहा, या खतरा हो सकता है दूसरी एंड पर। मैंने सुना है अच्छा बाउंसर, जबरदस्त बाउंसर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला। और अब फिलहाल क्या एक अच्छा साझेदारी बना पाएंगे, यहां पर आते ही तूफानी शॉट मिड विकेट की ये, और जिसकी जरूरत है गुजरात टीम के लिए। क्रिस के गहराई में जाके गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। इस बार भी करेक्ट शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, ये जबरदस्त स्ट्रोक, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टर्न के बाहर था, जल्दी भाप लिया था, पल लिया था और खूबसूरती के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। और लीजिए एक और बार, ये गेंद भी जाएगा बाहर, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। होना चाहिए घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, इतना ज्यादा दबाव है तो माइंड सेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, कहां छोड़ने वाले हैं। हो रहा है यहां पर बालाजी क्लब गुजरात के लिए, क्या इस ओवर में 2-3 बड़ा हिट आएगा, फिलहाल कोशिश। और ये गेंद बाहर जाएगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वाला है, कभी धूप है तो कभी छाया है, इससे पहले वो डॉट बॉल बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, उसके बाद में ऑफ टर्न के बाहर। बंदे हैं हम उनका, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर। लीजिए यहां पर एक और सफलता, विकेट नंबर 6। तो पूरा इंडिया खेल रहा है, बिहार झारखंड के गेंदबाज का बार कर रहे हैं, ऑनसर पर खेलना चाहते थे। प्रेम की विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया रही है लोगों ने। और लीजिए ब्लाइंड शॉट यहां पर, ये शॉट बाहर जाएगा, स्क्वायर लेग लाइन बहुत खराब थी, दिशा बिल्कुल खराब थी, पैरों के ऊपर है और बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया था। डिस्को लेग बॉडी मुमकिन है, संभव है, 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। और अब दीपक गट भी ऑन स्ट्राइक, पहला गेंद और बाहर, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच। अशफाक ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ा था, ये छोटी गेंद थी, समय मिला, खराब गेंद थी। समीकरण आपके लिए प्रतीक्षा करना होगा, फिलहाल रवि राणा अब फिर एक बार लेंथ में कमी, फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी भाग रहे, पहला रन तेजी के साथ क्या, दूसरा रन की प्रयास होगा यहां पर, स्ट्राइक अपने पास रख पाएंगे, रनआउट का मौका है, रनआउट लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दीपक गट भी। तो समीकरण इस जगह पर आए हैं, 4 गेंद से अब टाइगर जिंदा है। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, गति ज्यादा नहीं थी,
बैकफुट पर जाके गेंद को खेलना चाहते थे। फाइन लेग पर अच्छा थ्रो, अश्पाक सैक्रिफाइस करते हुए अपना विकेट, दीपक ऑन स्ट्राइक रहेंगे, चार गेंद रहेंगे दीपक। छोटी गेंद पर प्रहार किया, डीप मिड विकेट बाउंड्री रन के बाहर, गेंद जंबो है, खेल बदल रहा है, तीन गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत है। खराब गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज द्वारा। फिर एक बार दोहराना चाहूंगा प्रशांत, ऑन साइड पर हवा में खेल दिया है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री रन के बाहर जाएगी। रात बहुत हो चुके हैं, सुबह की ओर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे, लेकिन ये मैच यहाँ पर ये बयां कर रहे कि ओ मिस करते हुए, ओ क्या मुकाबला मैदान के अंदर पर खिलाड़ी तैनात, ओ क्या पिक्चर है ये, कहानी में ट्विस्ट, ओ पांच रन चाहिए, उड़ाया आसमान की तरफ, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम कायका कहते हैं। दीपक गढ़वी ने इस मुकाबले में जान डाली है, गुजरात के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिहार झारखंड अच्छा खेले लेकिन आखिरी ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी रमेश द्वारा, तो ये मुकाबला शानदार तरीके से गुजरात ने जीत लिया है। और खास करके दीपक के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, फिक्र क्यों करता है, फिर 5 रन की एक धमाल का पारी खेले यहाँ पर दीपक गढ़वी, और वन मैन आर्मी बने गुजरात बालाजी क्लब के लिए। कितना दिलचस्प ये मुकाबला था, सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला में सेमीफाइनल का मजा लिया है हमारे दर्शकों ने। ये खास पिक्चर है इस टूर्नामेंट का, ये खासियत है इंडिया कप सीजन 2 का। अशरफ खान का पहला अर्धशतक, उसके बाद में संस्कार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा, आपकी स्क्रीन पर निराश है और आप भी बहुत अच्छा खेले हैं, बिहार झारखंड निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है, और दीपक गढ़वी के शानदार